मैं ये तमाम लिफाफे हर एक के नाम से बांटूंगा। जिसका भी नाम मैं लूंगा वो यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? पहला नाम है सलीम। उधर मुमताज खान। बदन गुलबदन हकीम चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम चाचा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे इस महल में नौकरी देकर इस महल पर चार चांद लगा दिए। हकीम चाचा, मैंने सुना कि काबुल में बहुत गर्मी है। खामोश कमसिन कली, बहुत ज्यादा बकबक करते हो, इधर जाओ। आप सिर्फ मम्मी से प्यार से बात करते हैं, बाकी सब कुछ डांटते हैं। कौन था? कौन था? हम बताओ अपना। अब देखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ भागो यहां से। नहीं, भागो भागो यहां से। यही नमूना हो सकता है तो वही तरबूज है जिसने मुझे खदान में परेशान किया था। अभी खबर लेता हूँ इसकी। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? रुक जा, अभी मैं तेरी नौकरी खारिज करता हूँ। नाम बताओ अपना। हबीबी छा गई गरीबी। हुजूर, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं गुमनाम हूँ, बेनाम हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। बकवास मत कर, अपना नाम बताओ। हकीम चाचा, इसका नाम शेख जिन हुआ है। कुल्लू के बच्चे। हुजूर, मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों सजा देना चाहते हैं, लेकिन हुजूर उसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। हाँ हुजूर, आज के बाद ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इसने जो कुछ भी किया बचपने में आके किया। माफ कर दीजिए हुजूर। माफ कर दीजिए हुजूर। ठीक है, शेख जिनू आओ और अपना लिफाफा ले जाओ। शुक्रिया हुजूर। सैयद मुनाजिर, शोएब अली खान, रफीक अहमद, अब ये आखिरी दो लिफाफे बचे हैं, अलादीन और अलाउद्दीन। ऊपर वाले मेरी मदद करना, महल में नौकरी नहीं मिली तो मैं अपने अप्पू का सच नहीं जान पाऊंगा। मेरी अम्मी को लोग ताने देते रहेंगे। अब मेरी अम्मी की इज्जत आपके हाथ में, आपके हाथ में। ऊपर वाले, जो शख्स काबुल के दफ्तर में जाएगा उसका नाम है बेटे की तुम मेरी नौकरी। मेरा भाई मुस्तफा, कसम सोने की अशर्फियों की रुखसार, काम चोरी की भी हद होती है रुखसार। क्या हुआ भाभी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या गजल गाऊं?
मेरे घर में खाना नहीं पका, सफाई नहीं हुई, बर्तन नहीं धुले, कपड़े नहीं धुले और ये यहाँ पर अपने मनहूस शौहर की तस्वीर सीने से लगा के घूम रही है। और ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरे निकम्मे शौहर मरते मरते बचे। मैं तो अधमरा हो गया। कोई काम पूरा मत करना। मेरी वजह से पर मैंने क्या किया है? क्या किया है? मुझे तो मौत के फरिश्ते लेने आए थे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, ये चुड़ैल मेरा मतलब है नाज़नीन वहाँ थी। इसको देखकर फरिश्ते डर कर भाग गए। नाज़नीन की वजह से मेरी जिंदगी बच गई और तुम्हारी वजह से मेरी टांग टूट गई। अनजाने में अगर मेरी वजह से कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ। जमीन पर मत ढूंढिए भाईजान, ताक तो आप लोगों के दिलों में है और जहर आपकी नियत में। आपका पेट ठीक हो गया भाईजान? मेरा पांव? अबे मैं ठीक हो गया, करिश्मा हो गया भाइयों, करिश्मा हो गया, मैं ठीक हो गया। ये यहां से जोड़ना है, आप जोड़ देंगे? ज्यादा खुश मत हो रुखसार, तुम अपने आप को बड़ी होशियार समझती हो, नाज़नीन तुम्हें अभी मजा चखाती है। हम तो लड़ गए, बर्बाद हो गए, इस रुखसार ने हमें कहीं करी चढ़ा। अरे नाज़नीन क्या हुआ? अरे अब क्या किया इस औरत ने? क्या बताऊं बहन, हमें बर्बाद करके ये अपने मनहूस शौहर की तस्वीर ठीक कराने आई है। या अल्लाह, मुझे भी सुबह सुबह इसने किस मनहूस की शक्ल दिखा दी। खुद की जिंदगी तो मनहूस है, हमारी भी जिंदगी मनहूस कर दी। लोगों के बाल उड़ते हैं, उनका मजाक उड़ता है, मेरा इनाम उड़ गया। अब कुएं में दिन रात मेहनत करने के बाद जो इनाम मिला वो मिलते ही उड़ गया। अरे भाई, मेरी भाई की नौकरी गई पानी में। ए, तो मुझे पानी में गिरने के बाद भी लिफाफे सलामत हैं। जूर जूर, ये लाल लिफाफे पे किसका नाम लिखा है? तो नाम बिक चुके हैं, लेकिन काम तो करना होगा। ये लाल लिफाफा तुम्हारा। We'll be right back.
सफेद तुम्हारा। शहजादी आप, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जी सुबेदार अकबर। अच्छा ठीक। सुबेदार अकबर जी, आपने महल की नौकरी के लिफाफे सबको बांट दिए? जी शहजादी, सब बांट दिए हैं। और वो लाल लिफाफा काबुल के दफ्तर के लिए? वो जी शहजादी, वो लाल लिफाफा भी दे दिया है। वो मजदूर काबुल की नौकरी कबूल करके बहुत ही खुश था। काबुल है। ठीक है, इजाजत दे शहजादी। सही कह रहे हैं आप, कल जो खदान में हादसा हुआ उसमें मेरी टांग टूट गई, मतलब खून तो नहीं निकला लेकिन हड्डी अंदर से थोड़ी घिस गई। इनके बदन में खून होगा तब निकलेगा ना। पर जो उसके बाद इसने किया, अरे मैंने कहा रुखसार बहन किराए के पैसे दे दो, इनको हकीम के पास ले जाना है, वो तो पूछो मत। कहने लगी जा यहाँ से, अरे तुम हमें गालियां बकी, बड़ा बुरा काम निकारा, और तो और कहने लगी ए नाज़नीन तू जानती है मैं कौन हूँ, मैं उमार की बीवी हूँ, मैं किसी को किराया नहीं देती। हाय हाय, कैसा जमाना आया है, गद्दार की बीवी होके इतनी अकड़ दिखा रही है। जिसे गद्दारी करनी थी वो तो करके भाग गया और इस मनुष्य को छोड़ गया। कसम सोने की अशर्फियों की, अगर कोई गैरतमंद होता तो अपना मुंह काला कराकर बगदाद से कब का निकल चुका होता। पर इसे देखो कैसे फख्र से सर उठा के बाजार में घूम रही है। अरे मनहूस की तस्वीर ठीक करा रही है। आइयो, मुझे तो लगता है ये तस्वीर ही मनुष्यत की जड़ है। ये रुखसार जरूर कल अपने साथ लेकर रही थी खदान में, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। क्यों भाइयो? कसम सोने के अशर्फियों की, जरा आप लोग ही सोचे कि हम अपनी जान पर क्यों खेलें? इस मनहूस चीज का साया हम अपने बीच क्यों रहने दें? मैं तो कहती हूँ इस मनहूस तस्वीर को जला देना चाहिए। मेरी रुखसार की इतनी बेइज्जती, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अपना खून इतना मैला निकलेगा। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन्हें अपनी बदसलूकी का हिसाब देना होगा। चुप हो जाइए, बस। किसी ने एक लफ्ज भी और कहा या इस तस्वीर को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नकचड़ी, तुम मेरी दोस्त हो और जो दोस्त वक्त पर अपनी जान न लड़ा दे वो दोस्त किस बात के? हम बच गए नकचड़ी, हम बच गए, आग बुझ गई है।
तुम्हें कितनी आवाजें लगाई लेकिन तुम एक बार भी पीछे नहीं मुड़े। हम तुम्हें बता रहे हैं काली चोर, ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना, ये खेलना बंद कर दो। अब कभी अचानक से हमारी नजरों के सामने आ जाते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। क्या है ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? और तुम महल में क्या कर रही हो? कहीं तुम महल में कुछ चुराने के बारे में तो नहीं सोच रही? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो तुम सच में यहाँ हो नहीं। तुम ये सब मत पूछो, तुम यहाँ से जाओ। अरे नजनी, तुम्हें कहीं बुखार उखार तो नहीं चढ़ गया ना? या फिर कहीं तुमने 10 आदमियों का खाना एक बार में ना खा लिया? लेकिन देखो नजनी, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मेरी शहजादी यास्मीन के महल से मैं तुम्हें कुछ नहीं चुराने दूंगा। तुम इतनी आसानी से हमारे ख्वाब से जाओगी नहीं। हम तुम्हें बता रहे काले चोर, हम अपनी आंखें खोल देंगे। चले जाओ हमारे ख्वाब से, चले जाओ तुम, हम आगे खोल देंगे। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो? तुम यहाँ सच में हो? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर हम तो ख्वाब देख रहे थे ना, तो तुम यहाँ कैसे हो? तुम आराम से बात करो नचड़ी, इससे पहले कि तुम्हारी बातों से मेरा सर चकरा जाए। होश में आओ नचड़ी, होश में आओ, होश में आओ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? नचड़ी, मुझे महल में नौकरी मिल गई है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये खुशखबरी बांटने के लिए उसने मेरी दोस्त को भी भेज दिया। अब ये देखो, तुम्हारा महल में आने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा काले चोर। सफेद लिफाफा, इसका मतलब है तुम्हें महल में नौकरी मिल गई है। लेकिन लिफाफा गीला क्यों है? सुबेदार अकबर है ना, वो इतने लंबे हैं कि उनके सर के ऊपर से हवा चलती है, तो आखिरी के दो लिफाफे उड़ गए और जाकर पानी में गिर गए। वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। फिर पता है क्या हुआ? वो तो कहो, वो तो गलती से मुझे लाल लिफाफा देने वाले थे, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। ये लाल लिफाफा तुम्हारा। और ये सफेद तुम्हारा। रुको, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है। ये सफेद तुम्हारा है। अल्लाह अल्लाह बीबी, आ गई गरीबी। काबुल काबुल। लेकिन नचड़ी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे महल में नौकरी मिल गई। या खुदा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। शुक्र है तुम काबुल नहीं चले गए। काबुल जाऊंगा तो वापस भी आ जाऊंगा, क्योंकि लोग काबुल है करते हैं। मैं बगदाद है, बगदाद है, बगदाद है करता हूँ। लेकिन नचड़ी, तुम्हें कैसे पता कि लाल लिफाफे में काबुल की नौकरी थी? और तुम, अरे उठो उठो उठो, महल में क्या कर रही हो? सूरज के सामने आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, और ना ही किसी का झूठ मान लेने से वो सच में बदल जाता है। पूरा बगदाद भले ही मेरे शौहर पर कितना भी कीचड़ उछाले, पर ये सच नहीं बदल सकता कि मेरे शौहर बेगुनाह है। ये सच नहीं बदल सकता
उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। तुम तो ये कहोगी ही ना रुखसार, क्योंकि तुम्हारा नाम इस गद्दार के नाम से जो जुड़ा हुआ है। हमने फैसला कर लिया सो कर लिया, अब इस मनहूस आदमी की तस्वीर बगदाद में नहीं रहेगी। हाँ भाइयों, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ये तस्वीर मेरे शौहर की निशानी है। इतने सालों इस तस्वीर को देख देख कर मुझे हिम्मत मिली है। ये तस्वीर मेरे अंधेरे की रोशनी है भाभी। लेकिन अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो ठीक है, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह, जब ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, क्योंकि यही सच है, यही सच है। रुखसार की इस हालत को देखकर मेरे अंदर की आग तरस से भड़क उठी है, और यह आग तभी बुझेगी जब मैं इस दुनिया के सामने ये सबूत रख दूंगा कि मैं गद्दार नहीं हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।